दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिणी आसाम के दिमा हसाओ जिले में स्थित है। इस जगह को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। जतिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के दौरान हर साल बड़े पैमाने पर पंछी आत्महत्या करते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कृष्ण पक्ष की रातों में जतिंगा वैली में यह अजीबोगरीब हादसे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इन दिनों में यहाँ शाम के समय गहरी धुंध रहती है और साथ ही तेज हवाएं चलती हैं। पक्षियों द्वारा आत्महत्या करने की ये घटनाएं अधिकतर शाम 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच होता है। अचानक आसमान से पक्षी कीट पतंगों की तरह गिरते हैं और धरती में मौजूद विभिन्न चीजों से टकरा कर मर जाते हैं या बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पक्षियों के इस तरह से आत्महत्या करने पर या शायद मरने पर वैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन इस घटना की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षियों में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। जतिंगा वैली में पक्षियों के आत्महत्या का रहस्य क्या है, इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का काम है। चाहे जो भी बात हो, लेकिन अभी भी जतिंगा वैली में हो रही पक्षियों की आत्महत्या दुनिया भर में रहस्य का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि पक्षी आमतौर पर यहाँ की गहरी धुंध या कोहरे से विचलित हो जाते हैं और वे गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और बदहवासी में रोशनी की तरफ उड़ते हैं। रोशनी की तरफ उड़ते समय वह पेड़ों, कटीली झाड़ियों और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टकरा जाते हैं, जिसके कारण कुछ पक्षी मर जाते हैं जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल होते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पक्षी केवल गांव के उत्तरी छोर से ही आते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही इन हादसों का शिकार होते हैं। अध्ययनों के दौरान पक्षी गांव के दक्षिण किनारे में रखी गई रोशनी की तरफ आकर्षित नहीं हुए। मरने वाले पक्षियों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं और उनमें से अधिकांश पक्षी पास की घाटियां और पहाड़ी ढलानों से आते हैं। यदि दूसरे वैज्ञानिकों के अध्ययन पर नजर डालें तो लगता है कि ज्यादातर आत्मघाती पक्षी मानसून के मौसम में अपने प्राकृतिक आवासों को खो देते हैं, इसलिए वे आवास की तलाश में जतिंगा वैली में आते हैं। लेकिन अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये पक्षी रात में ही क्यों उड़ते हैं और वे हर साल एक ही स्थान पर क्यों इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आत्महत्या की पहली बार ये घटना 1900 के दशक में हुई थी, जिसने गांव वासियों को बुरी तरह से डरा दिया था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जतियंज को बेची और 1905 में जगह छोड़ दी थी। जब फिर से जतियंज लोग इस जगह पर बसे तो उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिया गया उपहार मान लिया। आखिर हो भी क्यों ना, इस घटना ने गांव को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया है। दुनिया भर में वन्य जीव, विज्ञानी, शोधकर्ता और टूरिस्ट इन घटनाओं पर गवाह बनने और खोज करने के लिए यहां आते हैं।
जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी आत्महत्या के समय एक त्योहार आयोजित किया जाता है जिसे जतिंगा महोत्सव कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।